अबे यार विलन, लेकिन तू ये क्यों कर रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है विलन? यार ऐसे मत कर, रो फिरो बचा ले यार। टिप्सन को तो काम खत्म हो गया, अब रो फिरो को उठा के लाऊंगा। अरे विलन यार, मैंने तुझ पे भरोसा करके ही गलत किया, लेकिन विलन तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे यार गाइस, मेरे को अपना शरीर इतना हल्का हल्का क्यों लग रहा है? लेकिन अरे यार, ये बॉडी तो मेरी है, इसका मतलब गाइस मैं कहीं मर तो नहीं गया? अरे यार ये क्या हो गया, विलन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? गाइस यार ऐसा क्यों किया विलन ने मेरे साथ? अरे यार रो फिरो को पता है या फिर नहीं, मेरे को तो बिल्कुल मालूम नहीं है, लेकिन अगर रो फिरो को मालूम होता तो रो फिरो मुझे बचाने जरूर आता। लेकिन यार मैं इसको दिख रहा हूँ या फिर नहीं, समझ में नहीं आ रहा यार, ये डर तो रही है मुझसे, लेकिन क्या पता यार। अरे एक मिनट गाइस, यार देख रहे हो यार, हम लगता है मैं किसी को भी नहीं दिख रहा, वो भी मेरे को ठोक के भाग गया, लेकिन ना ही तो मेरे कहीं पे दर्द हो रहा है और ना ही मेरे को गिरने का पता चला। गाइस यार ये क्या हो रहा है, मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। यार आप ही कुछ कमेंट करके बता दो कि मेरे को क्या करना चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं सीधा घर पे जाता हूँ और देख के आता हूँ कि रो फिरो क्या कर रहा है, लेकिन उससे पहले यार मुझे कोई गाड़ी देखनी होगी। एक मिनट, ये गाड़ी किसकी है? मैं इसको ही उठा लेता हूँ यार, मैं फटाफट से यहाँ से चलता हूँ, वरना अगर गाड़ी वाले ने मेरे को देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। अरे यार मैं फटाफट से यहाँ से घर चलता हूँ और देख के आता हूँ कि रो फिरो क्या कर रहा है, और कहीं विलन भी तो हमारे घर पे ही नहीं है। अरे एक मिनट, ये क्या बोल रहे हैं? अरे लल्लू यहाँ से भाग, फटाफट देखिए, भूतिया बाइक है, अपने आप ही चल रही है। अरे लेकिन ये गोली कौन मार रहा है? भागो यहाँ से, जल्दी भागो। अरे भागो यहाँ से, भूतिया बाइक आ गई और ये अपने आप ही फायर भी कर रही है, भागो सब भागो यहाँ से। अरे यार फ्रेंड्स, ये क्या बोल रहे हैं, भूतिया बाइक, मतलब कि इसका मतलब गाइस यार मैं इनको दिखाई नहीं दे रहा, ये तो यार बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। लेकिन मेरी बॉडी तो यार वहीं पे पड़ी हुई है, मैं फटाफट से घर पे चलता हूँ और रो फिरो को सब जाके बताता हूँ, और पहले तो देखना पड़ेगा कि रो फिरो मेरे को देख पाएगा या फिर नहीं। लेकिन यार ये जितने भी आदमी है इनमें से मेरे को कोई भी नहीं देख पा रहा। अरे बेबी जल्दी से गाड़ी भगाओ यहाँ से, भूतिया बाइक देखो अपने आप ही आके रुक गई। अरे ये मेरे को कितने फेंका, बेबी भगाओ गाड़ी यहाँ से। अरे यार फ्रेंड्स, अब तो ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि मेरे को देख ही नहीं पा रहे, तभी तो देखो यार ये कैसे भाग रहे हैं, अभी भी भाग रही थी ये ले, अभी नहीं छोड़ूंगा। गाइस एक काम करता हूँ, इस वाली बाइक पे बैठता हूँ और यार इनको देखने से पहले फटाफट से मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। लेकिन अभी तो यार मेरे को अपने घर का भी रास्ता मालूम नहीं है कि मेरे घर का रास्ता कहाँ पे है, लेकिन कोई बात नहीं यार, मैं कुछ भी करके अपने घर पे तो पहुँच ही जाऊंगा। और जाके तो यार पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा कि रो फिरो मेरे को देख पाएगा या नहीं, या सिंचन या फिर चॉप मेरे को देख पाएंगे या फिर नहीं। गाइस यार आपको क्या लगता है कि वो मेरे को देख पाएंगे या फिर नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो फटाफट से लाइक कर दो, क्या पता यार आपके एक लाइक से मैं फिर से जिंदा हो जाऊँ। एक काम करता हूँ, फटाफट से उतरता हूँ और यार देख के आता हूँ नीचे रो फिरो और यार क्या कर रहे होंगे। अरे लेकिन एक मिनट यार, यहाँ से नीचे से रोने की आवाज कैसी आ रही है? मैं जल्दी से भाग के देख के आता हूँ ये रो फिरो और क्यों रो रहे हैं यार नीचे खड़े हुए, छिप के देखता हूँ कहीं कुछ हो तो नहीं गया। अरे यार यहीं पे छिपक के देखता हूँ, मैं जल्दी से यहीं पे छिपता हूँ। अरे लेकिन एक मिनट, ये किसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है? अरे ये तो मेरी डेड बॉडी है, और ये विलन और स्पाइडरमैन और रो फिरो तीनों रो रहे हैं। अरे यार टिप्सन, तू हमें छोड़ के कहाँ पे चले गए यार? टिप्सन तेरे बिना तो हमारा मन भी नहीं लगेगा, टिप्सन यार वापस आ जा। अरे यार टिप्सन, अगर तुझे कोई परेशानी थी तो यार तू हमसे बताता, तुझे तीसरी मंजिल से कूद के मरने की क्या जरूरत थी यार? टिप्सन तूने ये बहुत गलत किया यार टिप्सन। अरे यार ये क्या क्या बोले जा रहे हैं मेरे बारे में, मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा यार। देखो विलन का देखो कैसे मगरमच्छ के आंसू बह रहा है यार मेरे लिए, और देखो इसने ही मेरे को मारा है, और रो फिरो के सामने देखो कैसे मगरमच्छ के आंसू बह रहा है जैसे मेरे को बहुत ज्यादा चाहता था। अरे गाइस यार ये क्या हो गया, मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस है कि मेरा दोस्त टिप्सन मुझे छोड़ के चला गया यार। टिप्सन ने मेरे को कुछ क्यों नहीं बताया कि उसने तीसरे मंजिल से कूद के अपनी जान क्यों दी यार? मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा गाइस यार, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरा एक मन कर रहा है कि मैं भी तीसरी मंजिल से कूद के यार अपनी जान दे दूं। अरे यार टिप्सन, अब हम तेरे बिना कैसे जिएंगे यार, हमें कुछ तो बता के जाता है यार। टिप्सन तूने इतनी ऊपर से जान क्यों दी यार टिप्सन, अब हम तेरे बिना कैसे रहेंगे टिप्सन यार, तेरे बिना हमारा मन भी नहीं लगता। अरे अरे यार रो फिरो भैया, अब तो मेरा भी जीने के लिए मन नहीं कर रहा यार, टिप्सन भैया के बिना मैं बिल्कुल नहीं जी सकता, टिप्सन भैया के बिना मैं नहीं जी सकता यार रो फिरो भैया। अरे यार टिप्सन यार, तू हमें कुछ तो बताता यार, तूने तीसरी मंजिल से कूद के अपनी जान क्यों दिया यार? टिप्सन मैं तो तुझे इतनी ज्यादा मोहब्बत करता था यार, मैं तो तेरे बिना जी भी नहीं सकता टिप्सन यार रो फिरो, अब तू ही कुछ बता कि हम टिप्सन को कैसे जिंदा कर सकते हैं, टिप्सन के बिना मैं बिल्कुल नहीं जी पाऊंगा यार रो फिरो। अरे यार विलन ये बात तो बिल्कुल ठीक कर रहा है, टिप्सन के बिना तो मेरा भी जीने के लिए मन नहीं कर रहा, लेकिन यार मैं कर भी क्या सकता हूँ। गाइस यार रो फिरो को देख के तो मुझे भी रोना आ रहा है, लेकिन ये जो विलन है ना, ये मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है यहाँ बैठ के, इसने ही मेरे को मारा है और ऊपर से यहाँ बोल रहा है कि मैं तुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, अब यार मैं क्या करूँ। अरे लेकिन एक मिनट, मैं जो ना अपने आपको शीशे में देखता हूँ कि शीशे में दिख रहा हूँ या फिर नहीं। अरे गाइस यार इधर देखो एक मिनट, मैं तो यार शीशे में बिल्कुल भी नहीं चमक
रहा रोप हीरो और स्पाइडरमैन और विलन, अरे यार सब दिख रहे हैं लेकिन शीशे में मैं बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। गाइस मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि मैं शीशे में दिख रहा हूँ या फिर नहीं। आप देखो यार मैं बिल्कुल भी नहीं चमक रहा यार शीशे में। गाइस यार ये क्या सिस्टम है, मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अरे यार मैं भी कैसी पागल वाली हरकत कर रहा हूँ, मैं टिप्सन की आत्मा ही तो हूँ, मैं शीशे में कैसे दिख सकता हूँ। एक काम करता हूँ मैं रोप हीरो से यार टकरा के देखता हूँ यार किसी न किसी से, और देखता हूँ कि इनको मेरे टकराने का असर होता है या फिर नहीं। लेकिन एक मिनट, मैं जो ना अभी इनसे टकरा के नहीं देखता, मैं जो ना एक काम करता हूँ सीधा पानी में चलता हूँ और देख के आता हूँ कि अगर मैं पानी में गिरूंगा तो मेरे गिरने से पानी में कुछ हलचल होगी या फिर नहीं। यार मैं यही ट्राई करके देखता हूँ, लेकिन यार रोप हीरो का रोना जो है ना मेरे से बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा। रोप हीरो को देख के ना मेरे को खुद को रोना आ रहा है। काम करता हूँ मैं फटाफट से चलता हूँ। अरे यार देखो यहाँ पे तो सच में पानी में हलचल हुई है और थोड़ी बहुत आवाज़ भी हुई है, बट एक मिनट यार किसी को भी आवाज़ नहीं गई यार पानी में हलचल होने की। एक काम करता हूँ मैं विलन से टकरा के देखता हूँ। अरे अरे लेकिन यार रोप हीरो मेरे से कोई टकरा है, रोप हीरो मेरे को जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे यार विलन तुझे ना ऐसे लगा होगा यार, एक तो तू मेरा दिमाग खराब मत कर, आज मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ और मुझे यार बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है कि टिप्सन यार हमें हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा विलन यार मैं क्या करूँ। अरे कौन है, एक मिनट, अरे विलन यार तू बिल्कुल सही बोल रहा था, मेरे से भी कोई ना कोई टकराया है। हाँ रोप हीरो यार मैं तेरे से यही तो कह रहा था, देख मेरे से फिर से कोई टकरा रहा है। रोप हीरो यार मेरे से बार बार कोई टकरा रहा है, तू समझ क्यों नहीं रहा यार बात को। अरे यार रोप हीरो बचाता क्यों नहीं है, मेरे कोई मार रहा है। अब यार भागो यहाँ से वरना आज ये बहुत हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे विलन यार तू कहाँ पे भाग रहा है, यहाँ पे कोई भी भूत नहीं है यार। विलन तो यार बहुत ही ज्यादा फट्टू है, देखो कितनी जल्दी यहाँ से भाग गया। लेकिन एक बात तो सही है, अरे ये स्पाइडरमैन कैसे अपने आप पानी में गिर गया। गाइस यहाँ मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ लग रही है। अरे पता नहीं है रोप हीरो समझ क्यों नहीं रहा कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन इनको तो यही पता है कि टिप्सन की डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन मेरी आत्मा तो यहीं पे है। अब तो मैं विलन को नहीं छोड़ूंगा, तेरी ऐसी की तैसी विलन ये ले। गाइस अभी देखो मैंने विलन को तो मार दिया लेकिन ये मरा नहीं है, लेकिन यार ये समझ क्यों नहीं रहा कि यहाँ पे मेरी आत्मा फिर रही है। इनको यार बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, स्पाइडरमैन तू भी ले। गाइस लगता है अब रोप हीरो को कुछ समझ में आए। अरे यार पता नहीं आज क्या हो रहा है, अब ये स्पाइडरमैन अपने आप ही गिर रहा है। लेकिन एक मिनट कहीं कुछ, अरे एक मिनट गाइस ये मेरे से कौन टकराया। अरे अरे गाइस यार मेरे को पानी में किसने गिरा दिया, मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ मैं बाहर चलता हूँ, कहीं यार यहाँ पे टिप्सन की आत्मा तो नहीं घूम रही। एक काम करता हूँ मैं इन सबको बुलाता हूँ, स्पाइडरमैन और विलन दोनों जल्दी से यहाँ पे आओ यार। बता बता रहो फिर क्या बताना है, जल्दी बता यार। मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है यहाँ पे। अरे विलन अब डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को समझ में आ चुका है कि टिप्सन की आत्मा जो है ना वो यहीं कहीं घूम रही है। एक काम करते हैं, हमारे घर में जो है ना एक मैजिकल एग रखा हुआ है जिससे जो ना किसी भी आदमी को जिंदा किया जा सकता है। अरे तेरे फिर इतना टाइम क्यों लगा रहा है, जल्दी से वो एग उठा के ला, हमें टिप्सन को जिंदा करना है। अरे हाँ हाँ विलन एक मिनट रुक जा, मैं अभी मंगाता हूँ। स्पाइडरमैन देख हमारे घर में जो ना कहीं ना कहीं पे वो मैजिकल एग रखा हुआ होगा, तो फटाफट से घर में देख के वो मैजिकल एग कहाँ पे रखा है और उस मैजिकल एग को जो ना फटाफट से उठा के लेके आ यार, आज जो है ना हम टिप्सन को जिंदा करेंगे। अरे यार फिर भैया तुमने जब से क्यों नहीं बताया कि हमारे घर में मैजिकल एग रखा हुआ है, मैं फटाफट से जाता हूँ और वो मैजिकल एग उठा के लाता हूँ यार। अरे यार अभी मेरे को पता भी नहीं है, एक काम करता हूँ। हाँ ये रहा मैजिकल एग, अरे यार मेरे को दिखाई दे चुका है, ये रहा मैजिकल एग, मैं फटाफट से इसको उठा लेता हूँ और अभी इसको लेके चलता हूँ मैं बाहर। रो फिर भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि टिप्सन भैया को भी तो जिंदा करना है दोबारा से, मैं जल्दी से लेके चलता हूँ। अरे रो फिर भैया देखो मेरे को मैजिकल एग मिल चुका है, फटाफट से इसको रखो और टिप्सन भैया को दोबारा से जिंदा करते हैं। अरे वो बात तो ठीक है यार स्पाइडरमैन, लेकिन मैजिकल एग से सिर्फ काम नहीं चलेगा, इसके लिए जो ना यार मैजिकल वाटर भी चाहिए होगा, और वो जो मैजिकल वाटर है ना वो भूतिया टनल में मिलेगा यार। जल्दी से जा विलन, तू जो ना भूतिया टनल में जा और वहाँ जाके जो ना वो मैजिकल वाटर उठा के ला। अरे अरे रो फिर मैं भूतिया टनल में नहीं जा सकता यार, क्योंकि मेरी तो बहुत ज्यादा फटती है भूतों से। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, स्पाइडरमैन को ही भेज दे। अरे यार विलन तो साफ साफ मना कर रहा है उस भूतिया टनल में जाने के लिए, लेकिन अगर भूतिया टनल में कोई नहीं गया तो यार मैं कैसे जिंदा आऊंगा। एक काम करता हूँ मैं जो ना खुद ही जाता हूँ भूतिया टनल में और वहाँ से जो ना मैजिकल वाटर लेके आता हूँ, इतना तो ये लड़ते ही रहेंगे, इतना मैं वाटर लेके आ भी जाऊँगा। एक काम करता हूँ फटाफट से मैं चलता हूँ और वहाँ से जो ना मैजिकल वाटर लेके आता हूँ, अभी मेरी बाइक भी यहीं खड़ी है तो मैं फटाफट से चलता हूँ और वहाँ से जो ना मैजिकल वाटर लेके आता हूँ। और हाँ गाइस जब तक मैं मैजिकल वाटर लेने जा रहा हूँ ना, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गाइस आपके लिए ना रोप हीरो इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, इतने तगड़े तगड़े कंटेंट लेके आता है, तो फटाफट से यार लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। लेकिन एक मिनट, अरे यार तुम्हारे सब्सक्राइब के चक्कर में देखो क्या हो गया यार, मैं नीचे गिर गया। लेकिन यार ये तो नीचे गिरना मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो गया, क्योंकि यहीं पे मेरे को टनल मिल चुकी है और गाइस यही वो भूतिया टनल है। तो अब जो ना मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से इसके गेट पे स्टिक की बॉम्ब लगाता हूँ, क्योंकि ये जो ना बिना उसके खुलेगी नहीं,
तो मैं फटाफट से जो ना यहाँ पे एक तगड़ा सा ब्लास्ट करता हूँ और ये शॉर्ट गन लेता हूँ फटाफट से, और यहाँ पे जो ना यार मैं फटाफट से इस पर फायर करता हूँ, और उसके बाद जो ना इसके अंदर यार मेरे को मैजिकल वाटर रखा हुआ मिलेगा। तो गाइस अभी देखो मैंने इसको तो तोड़ दिया है, बट अभी जो ना मेरे को कहीं पे भी यार मैजिकल वाटर दिखाई नहीं दे रहा है। एक मिनट गाइस, यार सच में देखो यहाँ पे जो ना मैजिकल वाटर रखा हुआ है, तो एक काम करता हूँ मैं जो ना फटाफट से इसको उठा लेता हूँ, और इसको उठाने के बाद जो ना मैं सीधा घर चलता हूँ। पहले तो मैं इसको गाड़ी पे बांध देता हूँ। तो गाइस अभी देखो मैंने फाइनली इसको गाड़ी पे भी बांध लिया है, अब मैं फटाफट से ना घर चलता हूँ। और अभी तक जो ना रो पीरो और विलन दोनों आपस में लड़ रहे होंगे, मुझे को पूरा यकीन है। और गाइस यार एक मिनट, रो पीरो तो ये कह रहा था कि उस भूतिया टनल में भूत रहते हैं, बट यहाँ पे तो एक भी भूत नहीं है, या फिर ऐसा हो गया कि भूतों को मैं दिखाई नहीं दिया। गाइस यही हुआ होगा। तो यार खैर छोड़ो, अभी तो मेरे को मैजिकल वाटर मिल चुका है, इस मैजिकल वाटर को मैं फटाफट से घर पे लेके चलता हूँ और देखता हूँ कि रो पीरो मेरे को कैसे जिंदा करे।